चलिए देखो, अपन ने ये पढ़ लिया था। अब देखो इसकी दुरुणता का क्रम क्या होगा, इसकी दुरुणता का क्रम। जैसे भाई देखो, अपन ये दुरुणता आई थी कि नहीं थी? ओ सेलेक्ट कर रखा है क्या? कभी कभी मुझे बोर्ड पे खेलने का मन होता, फिर देखता हूँ वीडियो बन रहा है। चलो इस साइड देखो, हाँ ठीक है। अब देखो तो दुरुणता का बात करें भाई, ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। तो इसके ऊपर भी डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, बस। हाँ ठीक। अब देखो तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो इसके दुरुणता का क्रम क्या होगा, और दूसरा ये, चलिए आइए देखते हैं। देखो तो अपनी एनसीईआरटी की किताब लेते हैं, ठीक है ना। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हो, पेज नंबर दिख रहा है यहाँ, कौन सा जाके पढ़ना है पता चल गया, 167 और 168। समझ आ रही बात? वो वाला 8 वाला आता है काटा मैंने, ठीक है ना, समझ आया? ठीक है, अपन ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे 20-20 में, ठीक है ना। जहाँ जहाँ रिएक्शन होगी एनसीईआरटी के क्लिप काट के आपको बता देंगे कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। देखो हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, बता दी थी बात, ठीक है। अतः एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड मतलब RX, ठीक है ना भाई। इसने ये तीनों क्यों छोड़े ऐसे ऐसे पता चल गया ना भाई, यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है, और यहाँ पे कौन हो गया एक्स हैलोजन, और एक्स का मतलब कौन हो गया बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, राग से हाँ, कैसा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एक्स, क्या बोलते हैं एक्स। अब देखो तो इसका मतलब ये तीन बॉन्ड आगे और बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, अपने बोला वो अपने को पता नहीं है, समझ आई बात। तो कुछ जुड़ जाएगी तो ये एल्किल समूह हो गया, तो इसको बोलेंगे एल्किल से क्या जुड़ा, हैलोजन, तो एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे, ठीक है। एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंधित आबन ध्रुवित हो जाता है, समझ आया, ध्रुवित क्यों हुआ, क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर है, ठीक है। इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक क्या आ जाता है, धनावेश, और हैलोजन पर आंशिक क्या आ जाता है, ऋणावेश, ठीक है। आवर सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ये बात अपने पहले बोली थी, ठीक है ना। अतः फ्लोरीन परमाणु सबसे क्या होता है, छोटे आकार का, तथा आयोडीन परमाणु सबसे बड़े आकार का होता है। परमाणु कार्बन हैलोजन आबंध की लंबाई CF मतलब कौन से, कार्बन फ्लोरीन से कहां तक जाओगे, तब कार्बन आयोडीन तक जाओगे, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ विशिष्ट आबंध लंबाइयां और आबंध एंथैल्पी द्विध्रुव आगुण यहां दिए हुए हैं। अब देखो सबसे ज्यादा, देखो बंद लंबाई कम, सबसे कम किसकी होनी चाहिए, CLF की होनी चाहिए, मतलब CH3F की होनी चाहिए, देखिए मैथिल, इसका नाम क्या है, मैथिल फ्लोराइड या फ्लोरोमेथेन, क्या नाम है, IUPC नाम तो है फ्लोरोमेथेन, और ऐसे ही नाम क्या है, मैथिल फ्लोराइड। तो इसका बंद लंबाई सबसे कम होगी कि नहीं होगी, अपने पहले भी बात कर रखी थी, कैसे, इस साइड देखो, ये रही अपने, मैंने आपको पहले बोला ये 2P है, ये क्या कर रहा है 3P, मैंने कहा जैसे जैसे ऑर्बिटल की साइज बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, अरे समझ में आया क्या। तो यहाँ पे इस साइड जाओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये रहेगा कि नहीं रहेगा, अरे रहेगा, चलो तो क्या रहेगा, उल्टा, क्या रहेगा, उल्टा, समझ में आया क्या, क्या रह जाएगा, उल्टा, समझ आएगा, अरे पता चल गया, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब देखो यदि कोई बंद लंबा है, बंद क्या है, इसको तोड़ना है तो इजी तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते, और छोटा है तो उसको क्या तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा है कि नहीं, इसका मतलब कोई छोटी बंद लंबाई जितनी कम होगी, क्या बंद उतना प्रबल होगा कि नहीं होगा, बंद क्या होगा, प्रबल, समझ आई बात, और बंद प्रबल होगा, तो जैसे जैसे बंद लंबाई बढ़ेगी तो उसकी बंद की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम, क्या हो जाएगी, कम, इसका मतलब उसको एनर्जी तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी क्या देनी पड़ेगी, कम, और पहले यदि बंद छोटा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी, इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ भाई, या उसको तोड़ने के लिए जो अपना एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बंद सामर्थ्य, बंद सामर्थ्य उच्च होगी तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा भी क्या देनी पड़ेगी, उच्च, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उच्च, और बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, उच्च, समझ आई, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम, समझ आई बात। तो अपन देखो इस साइड जाएंगे, मतलब फ्लोरीन इस साइड जा रहे हैं, देखो फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन, देखो देखो जैसे जैसे जा रहे हैं बंद लंबाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, ये पिकोमीटर में दे रखी है, ठीक है। अब देखो उसके क्या है, CX आबंध एंथैल्पी, मतलब CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ऊपर से नीचे जाएंगे क्या, घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ होगा वो, बॉन्ड लेंथ व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1/ बॉन्ड एनर्जी, और या मैं बोल दूं 1/ बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब समझ गया, बंद सामर्थ्य, समझ आई बात। तो क्या यहाँ पे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे कितना 452 फ्लोरीन CF का, और CL का कितना होगा, CCL का कितना होगा, 351, और सी
बी आर का कितना हो गया 213 और सी आई का कितना हो गया, समझ आ रहा है क्या? ऊपर से नीचे जा रहे क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखो द्विदुरागुण, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द्विदुरागुण देखो, फ्लोरीन की विद्युतधारिता ज्यादा होने के कारण क्या इसका द्विदुरागुण ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परंतु आपको पता है कि फ्लोरीन के पास क्या होता है, छोटा आकार होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये क्या, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उच्च है कि नहीं, तो इससे जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। और क्लोरीन का क्या होगा, छोटा बड़ा आकार होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या आ गया, कम, इसकी तुलना में कम है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहाँ पे क्या होगा, कम। इस वजह से क्लोरीन जो सी एफ बॉन्ड है और एक सी सी एल बॉन्ड है, वो सी एफ बॉन्ड ज्यादा द्रवित होने की बजाय कौन सा बॉन्ड ज्यादा द्रवित हो जाता है, सी 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 एल बॉन्ड क्या हो जाए, ज्यादा द्रवित। तो यहाँ पे ध्रुवणता का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी एच थ्री सी एल, उसके बाद कौन सा होगा, सी एच थ्री एफ, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी एच थ्री बी आर, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी एच थ्री आई। क्या समझ में आया, कोई डाउट है क्या, पक्का? चलो, क्या समझ में आ गया, तो एनसीईआरटी किताब में ये जाके पढ़ लेना, नहीं तो अपन लिख लेना यहाँ पे कॉपी का, ठीक है ना, जहाँ जहाँ जो चीज़ बता रहा हूँ वहाँ वहाँ वो चीज़ लिख देना, ठीक है, कोई अपन को एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये साथ साथ में, समझ में आया क्या, पक्का, कोई डाउट है? चलो अब बात करते हैं आगे। तो ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई थी, या बताओ ये कौन सी ओवरलैपिंग यहाँ पे, एस पी थ्री है, एस पी थ्री कौन सी है बेटा, एस पी थ्री एस पी थ्री, ये भी कौन सी है बेटा, एस पी थ्री एस पी थ्री, ये भी कौन सी है बेटा, एस पी थ्री एस पी थ्री, अच्छा ये ऐसा है क्या, ओ राजा, एस पी थ्री एस पी थ्री, क्या समझ में आया क्या, पक्का। अब देखो इसका आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ये रहा एमिनो की संरचना, ठीक है, क्या बोला, अमोनिया की बादी, अमोनिया मतलब एनएस थ्री, अमोनिया का मतलब क्या हो गया, एनएस थ्री, इसमें देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, लॉन पेयर, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन इस साइड, एनएस थ्री की बादी एमीन का नाइट्रोजन परमाणु त्रिसयोजी है, मतलब तीन संयोजकता रखता है कि नहीं रखता, त्रिसयोजी है, इस पर एक क्या होता है, असभाजित इलेक्ट्रॉन युगल, मतलब क्या होता है, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, असभाजित इलेक्ट्रॉन युगल का मतलब समझ आए, ये वाला, ठीक है, होता है। और एमीन में नाइट्रोजन के कक्षक sp3 संकृत होता है, कैसे होता है बेटा, sp3 संकृत कक्षक, इस साइड देखो, देख क्या ये sp3 संकृत कक्षक है कि नहीं, समझ आया बात, ये लॉन पेयर की बात अपन ने की थी यहाँ पे, जो ये स्ट्रक्चर होती है ना, ये पिरामिड होती है, कैसी होती है बेटा, पिरामिडल, देखो पिरामिडल बोलते हैं क्योंकि होना, ज्योमेट्री तो कैसी है बेटा, टेट्राहेड्रल, कैसी है, पर आकृति कैसी, पिरामिड जैसी नजर आएगी, क्यों, क्योंकि आकृति के अंदर अपन लॉन पेयर को देखते नहीं है, तो लॉन पेयर को नहीं देखेंगे तो ऐसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो देखो, क्योंकि टेट्राहेड्रल लॉन पेयर तो ऐसा पड़ा कि नहीं पड़ा ऊपर, तो इसकी आकृति कैसी होगी बेटा, पिरामिड, कैसी होगी बेटा, पिरामिडल, क्या समझ में आई भाई, आकृति कैसी हो जाएगी, पिरामिडल, समझ आई बात, तो चलिए आगे बात करते हैं, इधर देखो, तो देखो आकृति कैसी होती है, पिरामिड होती है, कैसी होती है बेटा, पिरामिड होती है, नाइट्रोजन के तीनों sp3 कक्षकों में से प्रत्येक एमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन कक्षकों के कक्षकों से क्या करता है, अतिव्यापन, अपन ने बताया यहाँ पे अतिव्यापन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखो ये किससे अतिव्यापन कर रहा है, हाइड्रोजन से, ये कौन सा कर रहा है, कार्बन से, यहाँ तीनों ही किससे कर रहे हैं बेटा, कार्बन से, समझ में आया बात, चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। सभी एमिनो में नाइट्रोजन के चौथे कक्षक में असंभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है, देखो देखे यहाँ पे तीन कक्षक थे, अरे एल्यो एल्यो, यहाँ पे देखो तीन, ये चार कक्षक है कि नहीं, तो तीन तो इसके बंद बनाने जा रहे, एक में असंभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म रह रहा है कि नहीं रहा, युग्म या युग्म जो बोलते हैं, ठीक है ना, आई बात समझे, अरे पता यहाँ पे भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चारों में से एक में है कि नहीं, चलो बात करते आगे, आगे बात करते हैं, ठीक है ना। असंभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण सी एन ई, मतलब कौन सा, कार्बन नाइट्रोजन और ये जो दूसरा जो भी एलिमेंट यहाँ पे जुड़ेगा उसका बंद कोण कितना होना चाहिए भाई, sp3 संकरण है तो कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए कि नहीं, मतलब 109.5 डिग्री से मतलब होना चाहिए, पर उससे क्या हो जाता है, कम, क्यों कम होता है, इसका रीजन देखो यहाँ पे, ये क्या करेगा, लॉन पेयर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ऐसे देखो, ये देखो ये ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे एंगल कितने का होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, परंतु ये लॉन पेयर है कि नहीं, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित करेगा, ये क्या है, नजदीक आएंगे नहीं आएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट का, या 109.5 डिग्री, तो उससे क्या हो जाएगा, कम, कितना हो जाएगा,
कम, और लगभग 160 डिग्री होता है, कितना होता है बेटा 160 डिग्री, इसका तो कितना होता है 160 डिग्री होता है, और इसका जो होता है वो 108 डिग्री होता है, क्या होता है 108 डिग्री। क्यों होता है 108 डिग्री इसका, इसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे बड़े समूह लगे हुए, क्या लगे हुए, तो उनको प्रतिकर्षित क्या कर पाएगा कम, क्या कर पाएगा कम, समझ में आ रहा है क्या। चल अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक है, कम हो जाता है। उदाहरण के लिए यह कौन ट्राइमेथिल एमीन में कितना होता है, ट्राइमेथिल एमीन, समझ में आ गया क्या, मैंने बोला ना ट्राइमेथिल एमीन में कितना होता है 108 होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। ये देखो ये जो चित्र बनाया क्या वही है कि नहीं, समझ आया क्या, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ऐसे पता चला, और ये एंगल कितना होगा, समझ आ गया, कोई डाउट। चलो अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं sp2 संकरण की बात, किसकी बात करते हैं बेटा sp2, क्या sp3 वाला पूरा समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का, आगे और बात करूंगा तब भी, ठीक है, मैंने बोला ना यदि इसमें संकरण आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण के ऊपर क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी आगे केमिस्ट्री किससे कनेक्ट करके चलूंगा, संकरण से, समझ आ रही बात। और उस टाइम तुमने यदि क्वेश्चन गलत जवाब दे दिया था बेटा, पटक पटक के बताऊंगा कि क्या मैंने बताया था, ठीक है ना, समझ आ रही बात, बाकी तुम समझ गए डैश डैश, ठीक है ना, समझ आ रही बात। चलो तो इसलिए आंसर आपको एकदम वहां पे एक्यूरेट देना है, वहां से मैंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, तो मतलब अभी नहीं आया तो मेरे को अभी पूछ लो, समझ रही बात। अरे पता चला, साथ साथ में आपके पास दो ऑप्शन ये भी है कि आप जाके वीडियो देख सकते हो, अरे है कि नहीं, आधों के पास बेचारों के पास ये ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास ये तो है, ठीक है। अपन 7-8 दिन में आगे नेक्स्ट 22 तारीख के बाद जो भी 7-8 दिन 10 दिन जो मिलेंगे उसमें मैं पूरा करवा दूंगा, ऑर्गेनिक PPT जैसे बना बना के, ठीक है। ये अब जिस दिन अपनी क्लास आएगी उस दिन IUPC पूरे एक दिन में जब भी आई, ठीक है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके आना है मेंटेलिटी। अब देखो sp2 संकरण की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, sp2 संकरण, या इसको ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे जेड लिखता हूँ जबकि यहाँ पे होता क्या एस होता है, ठीक है ना, ये तुम्हारे हिसाब से देख रहे ना, मैं जेड ही लिखूंगा हमेशा, ठीक है। हाँ अब इसमें क्या होगा, देखो sp2 कितने हैं, एक एस और दो पी है कि नहीं, तो इसका मतलब इसमें एक तो क्या लेगा ns कक्षक और दो np, कौन कौन से ले सकता है बेटा, px प्लस क्या ले सकता है py, या कौन सा ले सकता है py प्लस pz, या कौन सा ले सकता है px, तो यहाँ पीछे कौन सा बच गया pz, यहाँ पे कौन सा बच गया px, और यहाँ पे कौन सा बचेगा py, समझ में आ गया क्या। तो संकरण कौन सा हो गया sp3 संकरण, कितने कक्षक होंगे यहाँ पे, तीन, कितने होंगे तीन, इसका नाम भी क्या होगा sp2, इसका sp2, इसका भी sp2, कोई डाउट है क्या, पक्का, चलो क्या डाउट है, है चलो इस साइड देखो, ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में, ये कौन सा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अरे समझ में आया क्या, फर्स्ट ईएस में, तो यहाँ पे कितने दो, यहाँ एक 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 एक, अरे समझ में आ गया क्या। चलो अब हुआ संकरण, क्या हुआ बेटा, ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम में है कि नहीं, तो संकरण होगा तो पी की एनर्जी क्या होगी कम, एस की एनर्जी क्या होगी ज्यादा, अरे समझ में आ रही क्या, एस की एनर्जी ज्यादा क्यों हो रही है, दिशात्मक गुण के कारण, और पी की एनर्जी कम क्यों हो रही है, स्थायित्व के कारण, किसके कारण स्थायित्व, तो यहाँ पे ये रहा दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना एक दो तीन, अब देखो यहाँ पे कितने एस नीचे जाएंगे, पी कितने जाएंगे, एस तो पूरा एक ऊपर जाएगा अपने, पी कितने आएंगे, कोई दो, कोई दो, तो कोई दो क्या आ जाएंगे, पी नीचे आ जाएंगे, मैं ये ले लेता हूँ पी, ये दोनों नीचे आ गए, तो एक पी पीछे बच जाएगा, नहीं बचाएगा, क्या उसकी एनर्जी sp2 से ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी एनर्जी कम थोड़ी हुई, संकरण में तो दो ही आए ना, एक तो पीछे बच गया, नहीं बचा, तो ये कैसा है असंकरित कक्षक है, ये कैसा है, या मैं बोलूं शुद्ध पी कक्षक, कौन सा बेटा शुद्ध पी कक्षक, या असंकरित कक्षक, ये कैसा है असंकरित, असंकरित पी कक्षक है, कौन सा बेटा असंकरित पी कक्षक, और ये कैसा है बेटा संकरित कक्षक, कैसा है बेटा संकरित कक्षक। अब देखो जो संकरित कक्षक है कितने कक्षक भाग लिए थे यहाँ पे, तीन, तो संकरित कक्षक कितने बन गए, तीन, कितने बने तीन, भाग दो तीन, कक्षक कितने दो, एक कहाँ गए, सर टाइम हो रहा है भूख लग रही है, अरे खाओ मत ऐसे, समझ आ रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका संकरण हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको और डिटेल में सुनते हैं, देखो कैसे,
मैंने बोला एक ऐसा आया, एक कौन सा आया, 2s कार्बन का ले लूं, कौन सा आया 2s, तो ये मैं कह रहा हूं 2px ले लूं, एक कौन सा ले लूं, या मैं इसको ले लूं 2pz, लेते हैं जनरली अपन कौन सा लेते हैं जेड, तो 2pz और 2p क्या ले देता हूं x या y ले लेता हूं, क्या ले लो y, कुछ भी ले लो, मतलब ले लिया। तो इसका मतलब कितने कक्षक भाग ले रहे हैं यहाँ पे एटोमिक ऑर्बिटल, तीन, तो यहाँ पे कितने बनेंगे तीन, तो इसका नाम भी क्या होगा p2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी क्या होगा sp2, कैसा बन गया, त्रिकोणीय बना कि नहीं बना, हाँ जी पता नहीं बना होगा है दिव्या, बन तो रहा है, हाँ ये रहा, अरे त्रिकोणीय है कि नहीं ये, समझ में आ रहा है क्या, थोड़ी एक लाइन वो पतली है कोई नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब देखो त्रिकोणीय कैसा है, इस साइड देखो त्रिकोणीय, तुम लोगों को मैं बताता हूँ, है ही नहीं इसमें ऐसा, चलो कोई नहीं, इधर देखो ये रहा अपना एस ऑर्बिटल, कहाँ गया, कौन सा ला दे, हाँ वो दे दे वो, बस हो गया मेरा काम, देखो ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा, समझ आ रही बात, ये जो लूप्स दिख रही है ना, ये ऐसी त्रिकोणीय, समझ आ रही है, तीन कौन है कि नहीं, देखो एक ये, अरे है कि नहीं है, तो ये लूप ऐसे बन जाएगी, समझ में आया क्या, कोई डाउट है नहीं। पक्का, अरे समझ में आया, चलो तो ये, अब देखो क्या इसके पास एक पी खाली पड़ा है, अरे मतलब वो जो पी संकट में नहीं गया, एक पी एक्स पड़ा रहे भाई, जैसे ये दोनों मैंने लिया तो एक कौन सा पीछे रह गया, पी एक्स, कौन सा रहेगा पी एक्स, वो क्या होगा, वो इनके जैसे ये है, इसको मैं ऐसे ले लूं, क्या ले लूं ऐसे, तो एक तो ऊपर लूप होगी ना उसकी, एक लूप क्या होगी नीचे, तो ये यदि कागज तल में, तो एक वो तल से क्या होगा ऊपर, और तल से क्या होगा नीचे, क्या समझ में आया, मतलब कैसे, जैसे ये ऐसा देख लो, ये देख, ये जैसे इसको पी मान, इसको क्या मान P, तो ये जो दिख रही है ये कौन सा sp2, ये भी कौन सा sp2, ये भी कौन सा sp2, इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय समतलीय, कौन सी है बेटा, त्रिकोणीय समतलीय, कैसी है समतलीय, ठीक है ना, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, समझ आई बात। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला, ये तो ये पी एक ऊपर और ये पी क्या है नीचे, ये क्या है पी कक्षक, कौन सा है बेटा शुद्ध पी कक्षक, कौन सा है शुद्ध पी कक्षक, ये भी कौन सा है शुद्ध पी कक्षक, समझ में आ रहा है क्या, इधर भी क्या है शुद्ध पी और उधर भी कौन सा है शुद्ध पी कक्षक, समझ में आया क्या, चलो ऐसा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों तो देखो संकरित कक्षक कौन सा बॉन्ड बनाएंगे सिग्मा, संकरित कक्षक कौन सा बॉन्ड बनाता है सिग्मा, तो और ये कौन से बनाएंगे, तो ये अब करेंगे पार्श्वतिव्यापन, कौन सा करेंगे, तो इसका मतलब एक पी पीछे खाली है तो एक पी क्या करेगा पार्श्वतिव्यापन, और पार्श्वतिव्यापन से कौन सा पाई बॉन्ड, इसका मतलब जब भी किसी कार्बन का संकरण sp2 है तो उसके पास एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड है, क्या है वन पाई बॉन्ड, या उसके पास एक पी खाली पड़ा है, ये एक इसके पास क्या पड़ा है पी, पी पड़ा है मतलब खाली नहीं, एक पी पड़ा है जो संकरण में नहीं गया, आया समझ है। अब देखो कोई डाउट है क्या, अब देखो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल मतलब दो कर्मागत बंधों के मध्य का कोण, मतलब इसके और इसके बीच का कोण, अरे यही होगी नहीं है, दो कर्मागत बंधों के मध्य का कोण कितना होगा, देखो टोटल कितना बनता है ऐसे 360 में देखो कोई भी बंध है वो ऐसे व्यवस्थित होना चाहेगा जिसमें प्रतिकर्षण सबसे कम हो, प्रतिकर्षण व्यवस्थित कम होने के लिए अपन कैसे व्यवस्थित करेंगे, 360 में 3 का भाग दे दे, क्या करेंगे 360/3, तो कितना आ गया 120, ठीक है ना, तो बंद कौन पता चला कैसे, बंद कौन 360 का टोटल होना चाहिए, उसमें कितना भाग दिया क्योंकि प्लेनर में है, प्लेन में है तो क्या हो गया 3 का, तो कितना हो गया 120, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, ये भी कितना होगा 120 डिग्री, और ये भी कितना होगा, तो आप देखो मैंने ये ऐसा चित्र क्यों बनाया, देखो इसको पार्टियां मानो, तो ये पार्टी के क्या है ऊपर और ये क्या है नीचे, अरे इसको समतल मान लो इसको, तो ये समतल के तो अंदर है, ये समतल से क्या ऊपर और ये समतल के क्या है नीचे, मतलब क्या ऐसे देखो ये समतल है, अरे है कि नहीं, तो ये समतल से क्या ऊपर और ये समतल के नीचे, कोई डाउट है क्या, पक्का समझ में आया, ये कैसे किया पता चला पी ऑर्बिटल। अब देखो आगे बात करते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, क्या इसका नाम क्या है एथीन है कि नहीं है, है? और अंग्रेजी में बोले तो ETHENE, ठीक है ना, एथीन,
समझाई बात, एथ प्लस इन एथीन, ठीक है ना। ये कैसे होंगे अपन कहानी बातें करेंगे इसमें, ठीक है, परंतु अभी इतनी बातें कर दें, यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या? अब देखो क्या इसके पास एक पाई बॉन्ड है, थोड़ी देर के लिए मान लो इसका संकरण क्या है, sp2, क्या है बेटा, sp2। आइए इसके बारे में बातें करते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, यहाँ से बात थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ मैं तुम लोगों को, इधर बताओ जो पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाने जाएगा, क्या उसकी एनर्जी पाई की एनर्जी सिग्मा से ज्यादा होगी, कम कम होगी, क्यों होगी कम? अरे ज्यादा है ना एनर्जी, पाई कौन बना रहा है, पी बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो पी बना रहा, पी की एनर्जी ज्यादा है ना, और सिग्मा नीचे है कि नहीं है, तो मतलब संकृत कक्षक बनाएंगे सिग्मा, और सिग्मा संकृत कक्षक नीचे है कि नहीं है, तो इसका मतलब संकृत कक्षक की ऊर्जा कम है कि नहीं है, और संकृत कक्षक की जब ऊर्जा कम है तो इसका मतलब क्या होगा, स्थायी बंध बनेगा, ज्यादा स्थायी होगा कि नहीं होगा पाई से, अरे पाई से ज्यादा स्थायी होगा ही नहीं होगा, क्यों? इसलिए हमेशा पाई बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड की तुलना में दुर्बल होंगे, क्या होंगे, दुर्बल, और सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, प्रबल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो अब कोई भी क्रिया करना है अगर पहला कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, सिग्मा या पाई, मतलब पाई टूटेगा, सिग्मा नहीं टूटेगा, क्योंकि सिग्मा की एनर्जी क्या है, कम, पाई की एनर्जी क्या है, इसलिए पाई क्या टूटेगा, जल्दी टूटेगा, नहीं टूटेगा, अरे समझ में आया क्या, पाई क्या टूटेगा, जल्दी, क्योंकि पाई तो ऊपर है कि नहीं है, पी पी से बना पाई, और पी क्या है, ऊपर, इसका मतलब इसकी यहाँ पे एनर्जी, तो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा कैसा हो जाएगा, क्रियाशील बॉन्ड होगा, ठीक है ना, कैसा होगा, रिएक्टिव बॉन्ड, कैसा होगा, और सिग्मा कैसा होगा, मतलब नॉन रिएक्टिव बॉन्ड होता है, समझाई बात। पाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इसकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, तो वो हर किसी को क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा, समझ में आया क्या, चलो ठीक है ना। ये बातें सारी, ये जो मैं कोई कोई बातें आता है ना वापस घूम फिर के वापस तुम्हें बताता हूँ, इसका मतलब मैं बहुत कुछ वहाँ पे चीज आगे कहीं काम आने वाली है, वो समझ में बात। अब देखो यहाँ पे बात करें, क्या ये ऐसा नजर नहीं आएगा तुम्हें जब ये बनाओगे तब, ठीक है ना, अब ये ऐसा क्यों नजर आएगा, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कार्बन, कार्बन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्साइटेड, इस कार्बन को ऐसे लिखते हैं, इस कार्बन को डैश लिखते हैं, समझ आ रही बात, इस कार्बन को क्या लिखते हैं, डैश। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s2, और यहाँ पे 2s नहीं लिखते, सीधा अपन क्या बनाते हैं, डब्बा, क्या बनाते बेटा, अरे हारे हारे, इधर देखो, अच्छा ओ ठीक, इधर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2s1, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2p3। तो यहाँ पे कितना, 1, 2, 3, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं बोलूँ इसमें कितने संकरण में कितने जाएंगे भाग लेने वाले, बताओ कितने जा रहे हैं भाग लेने संकरण में, तीन, कितने भाग जा रहे हैं, तीन लेने भाग, ठीक है ना। अब तीन कौन कौन से, देखो एक तो ये, और ऐसे ये तीन ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पीछे एक पी बच जाएगा नहीं बचेगा, तो इससे अब जो संकरण होगा वो कौन सा हो जाएगा बेटा, संकरण बताओ, कौन सा हो जाएगा इससे संकरण, sp2। इसका मतलब अब क्या, जो नया डब्बा आएगा, अब देखो इसके अंदर क्या रहेगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, यहां पर कितने कक्षक होंगे टोटल, तीन, कितने होंगे, तीन। अब देखो यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, इसका नाम भी क्या होगा sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी क्या होगा sp2, कैसा होगा, और इसका नाम क्या होगा 2p। अब वो क्या लिख दूं मैं, पाई, मतलब पाई बंद बनाया जा रहा है इसलिए नाम लिख दिया 2p पाई, समझ में आ गया क्या, पाई का मतलब वो। अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई गया, यहाँ पे कौन सा रह गया, जेड, यहाँ पे जेड और कौन सा गया, एक्स गया, यहाँ कौन सा रह गया, वाई, और यहाँ कौन सा गया, एक्स वाई गया, तो यहाँ कौन सा रह गया, जेड, समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है क्या। अब ये संकरित कक्षक है, अब देखो क्या इस दूसरा कार्बन होगा उसके पास भी यही कहानी होगी कि नहीं होगी सेम, ठीक है, दूसरा कार्बन यहाँ लिख देता हूँ, ये कार्बन डैश और इसके ऊपर क्या लगा हुआ स्टार, यहाँ पे क्या होगा 1s2। अब इसके पास भी क्या लाएंगे अपन, बॉक्स, अरे समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, उर्दू में पढ़ा रहा है, हैं, गालियां मत देना मेरे को, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, किसको लग रहा है क्या पढ़ा रहा है, किसी को नहीं लग रहा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अरे संकरण पढ़ा रहा हूँ, तो क्या लोग हो तुम यार
हम किसी को नहीं लेकर क्या पढ़ा रहे हो? अरे यार ऐसे मतलब ठीक है, अरे ये होगा कि नहीं होगा? अब देखो अपन क्या लेके आए इसको, भाई इसको तीन करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई के तीन तुम चलो संकरण में, कहाँ चलो बेटा? तो अपन ने क्या करवाया यहाँ पे? संकरण क्या करवाया बेटा? तो कितने डब्बे बनेंगे नए? तीन। कितने बनेंगे? तीन। क्या ऐसे तीन डब्बे आएंगे कि नहीं आएंगे नए? अब एक ऐसा रह जाएगा नहीं रह जाएगा पीछे? ऐसा पी रहेगा नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जगे हुए हो कि नहीं हो, जगे हुए हो क्या? पता नींद आ जाए, आ जाती कई बार, होता है ऐसा, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं नींद आना। और नींद नहीं आता है तो नींद की क्या लेनी चाहिए? गोलियां। गोलियां कितना पकड़ लो अपने, आवाज आएगी। अच्छा भजन चल रहे हो, नींद नहीं आती? हो भजन में ही आती है बेटा नींद, तो भजन में आती है। अच्छा राजस्थान में भजन ही रहा है, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। चलो इस साइड देखो, अरे ये होगा कि नहीं होगा? चल अब इसको थोड़ा सा देखो। अब एस की कहानी तुम्हें पता है क्या? रोज रोज यही बताऊं मैं, एस की पता है ना, वन एस वन। क्या ऐसा डब्बा होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? या अपन बोलेंगे कि ले भाई तू ऐसा ले, ठीक है ना, स्फेरिकल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आया? अब देखो थोड़ा सा इसको ऐसा करता है, क्या समझ में आया? क्या ऐसे छोटा करते हैं? अरे क्या सर समझ में तो आ रहा है, ऐसे छोटा कर देते हैं। तुम लोग मतलब मैं बोलूं लाजवाब हो, डिजाइन है अपुन का, अपुन का स्टाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्या ये इसके पास एक पी भी तो पड़ा है? हाँ। वो पी ऐसा है कि नहीं? ऐसा हाँ। इसका नाम क्या है? एस पी टू। इसका नाम एस पी टू। इसका नाम और इसका नाम पी कक्षक। कौन सा बेटा? टू पी कक्षक। कौन सा बेटा? टू पी कक्षक। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया, हम भी हैं। मैंने कहा तेरे को मना कब किया, इधर एक हाइड्रोजन आएगा तो नहीं, गोला सही होना चाहिए बेचारे का। हाइड्रोजन बोले हमने तो कतई है, तुमने कुछ समझ ही नहीं रहे हो। इस साइड देखो, अब यहाँ पे प्लस, अब दूसरी साइड से कौन आ रहा है? अपना ये वाला कार्बन। क्या ये कार्बन के पास ऐसा होगा? एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, अरे ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? चलिए अपन यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसके सामने लेके आ रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बोले हम भी तो लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लो इधर भी हाइड्रोजन लियो, ये प्लस ये प्लस, ठीक है। अब देखो क्या इसके पास पी ऑर्बिटल है बेटा? हाँ है, यहाँ तुम्हें पता एक पी ये पड़ा, ये वाला, अरे है कि नहीं है? ठीक है, ये पी, तो ये कौन सा हो गया? एस पी टू। ये भी एस पी टू। ये भी क्या हो गया? एस पी टू। ये कौन सा है? पी कक्षक, टू पी कक्षक। कौन सा बेटा? टू पी कक्षक। एक इलेक्ट्रॉन इस साइड पड़ा, क्या समझ में आ रहा है? अब ये आपस में यूं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? थोड़ा और छोटा कर दे, क्या डायग्राम को छोटा कर दे, कोई नहीं अब ऐसे हो गया। अब देखो क्या ये इसके पास आएगा? आएगा, ये देखो कार्बन इस साइड ये लो, इस साइड ये रो, इस साइड ये लो, ठीक है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भला हो इस बोर्ड का कितने पेन दिए है कि नहीं? ये देखो हाइड्रोजन, क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग एस पी टू एस ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? इधर कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एस पी टू। समझ में आया? क्या इसका पी इधर ऐसा पड़ा है? क्या किसी का इंतजार में? बिल्कुल, अब बताएंगे किसके। इधर देखो यहाँ पे ये कार्बन, क्या कार्बन ऐसे ओवरलैप करेगा? तो ये कौन सा हुआ? sp2 ये लो और ये लो। क्या यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन आ रहा है बेटा? हाइड्रोजन। कौन आ रहा है? हाइड्रोजन, ये लो हाइड्रोजन। इधर भी कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी? sp2s। ये भी कौन सी? sp2s। ऐसा नहीं कि ग्रीन वाला हाइड्रोजन आया कुछ और पी ले, मतलब वो कलर में अपने अलग दिखाने के लिए किया ऐसा, ठीक है ना? तुम ऐसा नहीं, तुम मान लो, तुम्हारा भरोसा नहीं है मुझे, ठीक है ना? हाँ अब देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल पड़ा है क्या? इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा कि नहीं होगा?
कि थोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन वाला रखते हैं, ठीक है। ठीक है, आया समझ। अब देखो क्या ये पी और ये पी आपस में अतिव्यापन करेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे। ये बोले हमने क्या बिगाड़ा, तो ये ओवरलैपिंग होगी। अब ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही? पास, तो इसको बोलेंगे पी पाई, क्या बोलेंगे? पी पाई। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। कोई डाउट है? नहीं। अब देखो इससे क्या बना, इससे ये बना, क्या क्या वो नहीं आया समझ में? पक्का? चलो अब देखो मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। हेलो, क्या हुआ? बस अभी जस्ट ये दो संकरण है, बस करवा देते हैं। इधर देखो ये वाला, ये देखो ये तुम्हें दिख रहा है? हाँ, ये जो है ना, ये लूप है, ये इधर वाले को बताते हैं। इधर देखो ये जो है ना लूप, ये वाली है और ये वाली ये रही, ये वाली ये रही, और ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है ना? आया समझ में? चलो अब इस साइड देखो, इस साइड ये किसने खोल रखा था? तूने? क्यों जोगन कहेंगे उल्टे काम करती है? इस साइड देख, अब देख ये वाला, ये ऑर्बिटल ये रहा, ये ऑर्बिटल ये रहा, ये ऑर्बिटल ये रहा। समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो ये कौन से पी ऑर्बिटल, कौन से पी। अब देखो ये जब इससे मिल रहा है ऐसे, ये ऐसे मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? ऐसे ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये जो पी है ना, ये वाला पी ये रहा, ये वाला पी ये रहा। समझ आई बात? तो ये आपस में क्या होंगे ऐसे। अब ये तो ऐसे मैं तक ओवरलैपिंग नहीं करवा रहा, ये कैसे हो जाएंगे? ऐसे आपस में अतिव्यापन कर लेंगे ये ऐसे। समझ आ रही बात? देखो ये कैसे करेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग, और नीचे वाला कैसे कर देंगे ऐसे। समझ में आया क्या? पक्का? तो ये तो कौन सा बन गया? सिग्मा। इसका भी कौन सा? sp2। इसका भी कौन सा? sp2। समझ में आया क्या? अब ये कौन सा, ये किसके साथ कर गया? s के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, और ये भी हाइड्रोजन के साथ। तो देखो ये लीनियर दिख रहा है, एक ही तल में है कि नहीं? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तल के ऊपर और क्या है, तल के नीचे की तरफ बन रहा है डेंसिटी। और बाकी वाला तो एक ही तल में है कि नहीं? क्या तल के बाहर है क्या? तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे डिजाइन ये नहीं बनेगी कि भाई ये कार्बन और ये कार्बन, इससे ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे ऐसा होगा कि नहीं होगा? इससे एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन इस साइड। अब मैं बोलूं ये तुम्हारे सामने मैं ऐसे लिखूं, ऐसे बनाऊं, कैसे बनाऊं चित्र ऐसे, तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्या हाइड्रोजन? ये वाला नहीं दिख रहा ना, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसा और ये क्या होगा? डैश डैश होगा कि नहीं होगा? तो ये भी तो क्या होगा? ऐसा और ये क्या हो जाएगा? डैश डैश। और यदि मैं ऐसे बनाऊं तो ये पाई बॉन्ड क्या आपके सामने, ये ऐसे, तो ऐसे बनाऊं तो ये देखो ये तो प्लस और ये क्या हो गया? माइनस। तो इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कि ये कार्बन, ये रहा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इधर रहा हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। जब मैं ऐसे डैश डैश बनाऊं तो ये कैसा है? इस टाइप के, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। समझ आई बात? एक डैश डैश और एक ऐसे बनाऊं तो, और यदि ऐसे बनाऊं तो डैश डैश बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आ रही हो? तो वो ये चित्र दिख रहा है वो ऐसे इस टाइप से, और ये चित्र दिख रहा है वो इस टाइप से। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का? अरे किसी प्रकार का है नहीं। चलो तो ये एक अपना कौन सा हो गया? पाई। ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये सिग्मा। कोई डाउट है किसी प्रकार का किसी को? थोड़ा बहुत अगर बगल में ही नहीं है डाउट? चलो ठीक है। अब देखो क्या इसका संग एक पाई बॉन्ड बना कि नहीं बना? इसका मतलब एक पाई किससे बना? पी से। यदि किसी के पास पी है ही नहीं तो पाई बनेगा क्या? नहीं। समझ आया? किसी के पास पी नहीं है तो पाई नहीं बनेगा। समझाई बात? तो इसका मतलब एक पाई बनने के लिए कितने पी की आवश्यकता है? एक। और एक पी जब संकरण में नहीं गया तो संकरण में कितने पी जाएंगे? दो। भाई टोटल पी कितने होते हैं? तीन। जब दो पी के आ गए संकरण में और एक एस गया तो संकरण क्या हो गया? sp2। अपन जब ऐसे बोलते हैं कि जब एक कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड होता है तो उस कार्बन का संकरण क्या है? sp2। समझ आया क्यों बोला sp2? पता चल गया? क्योंकि एक पाई क्या पी का किस में गया? पाई बॉन्ड बनाने। किस में गया? पाई बॉन्ड बनाने। समझ आई बात? तो पाई बॉन्ड क्या होता है? इसके तल के ऊपर और तल के क्या होता है? नीचे की तरफ। समझ में आया क्या? अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ आई कि सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और सिग्मा बॉन्ड के क्या होती है? नीचे की तरफ होती है। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? इसमें हो तो बोलो।
नहीं है, अब ऐसे ऐसे बनाने के और बना दोगे पक्का। चलिए अपन बात करते हैं, ठीक है। एक बार इसको देखो अच्छे से, देख इधर है, देख लो फटाफट देखो, अभी तो 20 मिनट पड़े हमने। चलो हो गया, देख लिया पक्का। अब आपके सामने ये लेके आया कार्बोनिल समूह, ये एक, इसको थोड़ा पहले ऐसे करते हैं अपन, समझाते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ये कैसा हो गया बैकग्राउंड, ब्लैक कैसे हो गया, ये ठीक है? चलो ये कर लेते हैं। अब वो वाइट यूज करेंगे, बेचारा वाइट कब से परेशान हो रहा है, है कि हमें का यूज नहीं कर रहे। देखो कार्बोनिल यौगिक होता है, इसमें कार्बन कार्बन के पास होता है डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पे एक एक बॉन्ड, भाई कार्बन ने दो बॉन्ड इसके साथ बने, दो पीछे रह गए कि नहीं रह गए? भाई एक तो कौन सा बना है, सिग्मा एक पाई, तो यहाँ सिग्मा सिग्मा, तो इस कार्बन का संकरण क्या हो गया, टू। अब देखो एक ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड बना रखा है, तो ऑक्सीजन के पास कितने रहे, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना था, दो ही बना लिए, तो ऑक्सीजन के पास कितने रहे लोन पेयर, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, समझ में आया क्या? अब ये जो है ना ऑक्सीजन का भी संकरण यहाँ पे कौन सा होता है, sp2, कौन सा होता है बेटा, कैसे? अब देखो बात करते हैं। अब कार्बन का तो आपको पता ही, यहाँ पे कार्बन स्टार होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे 1s2, यहाँ पे क्या लिखो, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने लिखोगे, एक दो तीन, यहाँ पे क्या लिखोगे 2s1, यहाँ पे क्या लिखोगे 2p3, अरे लिखोगे नहीं लिखोगे, फिर आप क्या कहोगे सर ऐसा हुआ कि क्या हुआ कि इधर देखो कि ये तीन कक्षक आपस में यहाँ आए, इसका फिर क्या किया अपन ने कि सर इसमें ये आए संकरण, तो यहाँ पे तीन बॉक्स ऐसे बन गए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, इसका नाम आपने बोला sp2, इसका नाम क्या होगा, टू पी पाई बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलो, टू पी पाई, क्या समझ में आया ये तुम लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, किसके पास गए, अपने बोला तुम्हारी क्या कहानी है, वो बोला हमारी भी वही कहानी है जैसे आज तक तुम करके, अरे छह काय को एट है, प्राण वायु को परेशान कर रहे हो, ये जब परेशान करने लग गई ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल घूमोगे है कि नहीं है, अपने वो रेखा दीन उसको परेशान करती थी प्राणवायु, सांस नहीं आती थी है कि नहीं, फिर वो बेचारी वो लेती थी वो है कि नहीं, देखा नहीं देखा कभी वो, अपने अनिता दीदी भी है ना, अरे काय भूल रहे हो इसको, है अनिता क्या, मेरे सामने देखो इधर तो देख बेटे देखो ये कॉमा पेशेंट गई के, ठीक है ना, है कि नहीं अनिता, कैसा लगता है आपको बिना ऑक्सीजन के, कभी कभी है रोना आता है नहीं, तो क्या होता है, कुछ तो होता ही होगा, सरोज बताएगी क्या होता है, सरोज सरोज के मुझे तो पता नहीं, मैं भाग जाती हूँ, मुझे पता है अभी के काम करना पड़ेगा सरोज के, मुझे अभी रोटी बनानी पड़ेगी, इसलिए अपन करते हैं सीधा घर का रुख, हाँ ठीक है ना, कॉल करके भागो रे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एक दो तीन, और ये कितना हो गया 4, अरे ऐसे ही होता है, यहाँ पे 2s कितना हो गया 2, और 2p कितना हो गया 4। अब क्या इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके उधर भेजूं, ये बोले अरे भाई हमें जरूरत ना है, ये क्या बोले हमें जरूरत नहीं है, अपन ने बोला ठीक है भाई मत जरूरत नहीं है, तो अपन कोई कौन सा जबरदस्ती दे रहे हैं तेरे को, है तो अपन ने बोला देखो अब कौन सा, ये संकरण में गए, क्या संकरण में ये जाएंगे, अरे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो ये गए संकरण में भाग लेने, तो संकरण में भाग लिया तो कौन से कितने कक्षक बन गए, तीन, कितने बने बेटा तीन, तो तीन, ये संकरण, ये यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा संकरण, और कौन सा संकरण हो रहा है बेटा sp2, कौन सा हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है ये संकरण, ठीक है, कौन सा हो रहा है बेटा sp2, कौन सा हो रहा है, तो कितने कक्षक बनेंगे, टोटल तीन भाग ले रहे हैं, कितने बनेंगे तीन, एक दो एक दो एक, इसका नाम क्या हो गया sp2, इसका नाम sp2, इसका नाम sp2, और यहाँ पे क्या हो गया एक ऑर्बिटल, इसका नाम लिखेंगे 2p पाई, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट है, चलो अब इसको करते हैं छोटा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो कार्बन के पास ऐसा है कि नहीं, इधर देखो यहां पे ऑक्सीजन की मैं बात करूं, ऑक्सीजन की कार्बन की कहानी लिखवा रखी है तुमने, देखो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है कि नहीं, एक लूप ऐसे होगी कि नहीं होगी, एक लूप ऐसे होगी कि नहीं होगी, दूसरी लूप ऐसे होगी कि नहीं होगी, और इसके पास एक क्या होगा पी, इसके पास पी ऐसा होगा कि नहीं होगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, और यहां पे कितने पड़े दो, तो देखो देखो दो लोन पेयर थे कि नहीं थे, देखो ये रहे, अरे समझ में आया क्या, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा, अब ठीक है, या ये कौन सा है, ये sp2 है, कौन सा है
sp2 और ये कौन सा बेटा sp2, ये कौन सा हो गया पी कक्षक, कौन सा होगा बेटा? क्या कार्बन के पास भी ऐसी कहानी है? बिल्कुल है, कार्बन के पास भी ऐसी कहानी है। कौन सा पी? अरे यार पी मना किया था मैंने, तू मत चलना। क्यों लिखे बेटा जब अपने पास है शक्ति, है भगवान ने दी अपने पास अद्भुत शक्ति है मेरे पास। लियो अब कुछ नहीं जाएगा, तुम क्या सोचे थे? ये जाए है अरे तुम मजा आता है ऐसा होता है ना क्या? अरे देख पर हुआ नहीं, नहीं अफसोस है। चलो इस साइड देखो, मुझे दुख होता है आपके दुख को देख के। ये एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं वरना वापस। क्या एक ऑर्बिटल ऐसा होगा? एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक ऑर्बिटल ऐसा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आ रहा है? अरे क्या हुआ हीरा लाल, क्या हुआ? अरे कुछ तो हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्या ऐसे ही होगा? इसके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इधर एक, अब देखो ये है कि नहीं। अब देखो क्या ये संकरित कक्षक में पड़े कि नहीं पड़े? तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? लोकलाइज्ड कैसे होंगे बेटा? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कि नहीं होंगे? तो ये कैसे होंगे? लोकलाइज्ड एलपी है, मतलब एलएलपी। कौन सा एल? लोकलाइज्ड का एल और लोन पेयर का एलपी, तो एलएलपी। कौन से ये एलएलपी, समझ आया क्या? अब बताओ ये जो ओवरलैपिंग हो रही है क्या हो रही है? sp2 sp2, ये कौन सा अपना sp2 ho, ठीक है ना? ये भी कौन सा है sp2 ho। क्या समझ में आ रहा है? अब देखो इनके पास क्या पड़ा है, पी। कौन सा पड़ा है? पी। क्या इसका भी पी ऐसा है? क्या इसका भी पी ऐसा है? क्या ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे? कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई पी पाई, अरे होगा कि नहीं होगा? तो ये पाई, ये क्या सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये क्या है एलपी, ये भी क्या है एलपी, ये भी क्या है एलपी। तो एलपी कहाँ पड़े? संकरित कक्षक में है कि नहीं? क्या ये समतल में है? बिल्कुल, अरे है कि नहीं है? समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? तो पाई बॉन्ड क्या, तल के ऊपर और तल के नीचे, एक इलेक्ट्रॉन इधर दूसरा इधर, कुछ ज्यादा नहीं हो गया इलेक्ट्रॉन? आगे समझ है पक्का? ठीक है, ये होता है कार्बोनिल समूह। कौन सा होता है बेटा? समझ आई बात? अब यहाँ पे क्या क्या जोड़ सकते हैं? कुछ भी, मतलब जिस एकल संयोजी समूह कोई भी जोड़ सकते हो, एकल संयोजी समूह या परमाणु कोई भी हो जाए। समझ आई बात? क्या ऐसा चित्र दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अब देखो मैं ऐसे बताऊं कि अब देखो इसको क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या ऐसे कन्वर्ट करेंगे? किसका फोन है? उठा लिया। क्लास में हूँ, क्लास में हूँ। हाँ इस साइड देखो, ये देखो क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं? इस इधर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या ज़्यादा होगी कि नहीं होगी इधर? प्लस, या ऐसे बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, एक हुआ इधर देखो, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, क्या ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है? अरे है कि नहीं है? ये कौन सा है? सिग्मा। अब देखो इधर देखो, ये रहा लोन पेयर, इधर रहा ये रहा लोन पेयर, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये कार्बन, इधर देखो ऑक्सीजन, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे है कि नहीं है? पॉजिटिव। इधर कौन सा कर दें? वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना? इधर और यहाँ पे एक लोन पेयर और ये दो लोन, तो रिजल्टेंट क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ आया क्या? पक्का? कोई डाउट है? नहीं। पक्का समझ आया क्या? तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी? sp2 होगा दूसरा जो आए वो। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग कौन सी होगी? sp2 दूसरा जो आए वो। समझ आई बात? जैसा आएगा वैसा देख लेंगे। इधर देखो ये यही बोलता है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, क्या सही बात है? ठीक है, तथा तीन सिग्मा बंध, ठीक है ना, अब निर्मित करता है। अरे देखो इधर,
जरा सा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, देखो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्या तीन सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? ये सिग्मा नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं है ये, समझ आई बात? नीचे वाले का, यहाँ पे भी ये क्या है सिग्मा, और यहाँ पे भी क्या है सिग्मा, इधर ये क्या है सिग्मा सिग्मा सिग्मा, थोड़ा यूं सिग्मा ऐसे विसल नजर आ रही है नी, हाँ ये सिग्मा, समझ आ रही क्या? कौन से ग्रह से आए हो, अरे कौन से गोले से आए हो तुम लोग, है कि नहीं, कौन से गोले से आए हो है? चलो इस साइड देखो, कार्बन का चौथा संयोजकता, अच्छा चौथा संयोजकता सही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कार्बन के असंकृत पी कक्षक में होता है, क्या सही बात है भाई? चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा? पी कक्षक में, अरे पढ़ाई की नहीं पढ़ाई है, चलो ठीक है ना, किस में होता है? पी कक्षक में, ठीक है ना, होता है। तथा ऑक्सीजन के पी कक्ष के साथ अतिव्यापन करके कौन सा एक पाई बंध बनाता है, कौन सा बंध बनाता है? पाई बंध बनाता है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन परमाणु पर दो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, क्या होंगे? हाँ इधर देखो, कहाँ? इधर इधर ये देखो, अरे है कि नहीं है? यस या नो? हाँ ऐसे मेरे क्या पता, मैंने देख रहे हैं ठीक है ना, इधर देखो उपस्थित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार कार्बोनिल समूह का कार्बन तथा इसके आबंधित तीन परमाणु एक ही तल में होते हैं, बात हो गई थी अपनी, ठीक है, एक ही तल में होते हैं, एवं पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र इस तल के ऊपर व क्या होता है? नीचे होते हैं, और बंध कोण लगभग कितना होता है? 120 डिग्री का होता है, और ऐसा कि समतलीय त्रिकोणीय संरचना में अपेक्षित है। ये देखो यहाँ पे देखो, ये sp2 है, ये सिग्मा आबंध, और ये कौन से? पी। ये आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन। अरे ऐसे करेंगे कि नहीं करे? तो यहाँ पे देखो, ये हो गया प्लस वाला, ये क्या हो गया? माइनस वाला। अरे समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पे दो लोन पे, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया? sp2 है तो कितना? 120 और 120। अब देखो इसकी विद्युतीयता ज्यादा है कि नहीं भाई? कार्बन की विद्युतीयता है वो ऑक्सीजन की विद्युतीयता से क्या है? कम है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब आपको पता है एनर्जी पाई की ज्यादा है सिग्मा की? पाई की ज्यादा है कि नहीं? तो ये पाई के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवा देगा, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे पाई देखो, बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। दोनों इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच ले, देखो ये रहा, यहाँ बोले मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे भाई? बंद में इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? इधर देख लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? अब ऑक्सीजन ने बोला मेरी देखो औकात तेरे से ज्यादा खींचने की, तो अपन तो खींचेंगे इधर, इसलिए मैं इसको ऑक्सीजन को धोखेबाज बोलता हूँ, ठीक है ना। पहले तो बंद बनाएगा, फिर खींच के अपने पास लेके जाएगा, विचारों के साथ धोखा करता है हर बार, समझ रही बात? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। भाई एक खुद का इलेक्ट्रॉन लेता तो क्या आता? एक ही आता, तो नेगेटिव आता क्या? नहीं, परंतु एक दूसरे का भी तो पकड़ के लेके आ गया, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। क्या इस कार्बन का गया बेचारे का, तो कार्बन के ऊपर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इधर देखिएगा, तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा? कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा, इसके ऊपर पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या समझ में आया? नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया? ऊपर। अब देखो, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विक आबंध ध्रुवित हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? ध्रुवित है कि नहीं? इसको बोलेंगे पूर्ण ध्रुवित। कैसा है ये? पूर्ण ध्रुवित, ठीक है ना। अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लागी, मतलब अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है कि नहीं? क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा? भाई ये भी तो चाहेगा, मैं न्यूट्रल हूं, अरे है कि नहीं? किसी के ऊपर देवाली है, इससे हम लोग कर्जा कम करना चाहेगा नहीं? वो ऐसे थोड़ी जाएगा, अब भाग जाते हैं नीरज मोदी बन जाते हैं, यहाँ से भागो, अरे है ऐसा थोड़ी होगा? बेचारा ये क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन अपना मतलब न्यूट्रलाइज होना चाहता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा नहीं जाए? और आपने बोला, लुइस नाम के एक वैज्ञानिक ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो लुइस अम्ल है। क्या है? परंतु ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है कि नहीं दे? ये तो किसी और का पकड़ के लेके आया बेचारेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है। तो ये दे सकता है तो क्या होगा? लुइस सा। क्या होगा? अब बताओ, जिसके ऊपर प्लस है तो वो किसको? नेगेटिव को लाना चाहेगा प्लस को? नेगेटिव लाना की भाई, ऐसी कोई प्रजाति आया जो नेगेटिव हो उसके ऊपर, और जिनके ऊपर नेगेटिव हो वो किसको लाना चाहेगा? पॉजिटिव। तो जहां पॉजिटिव अटैक करता है, पॉजिटिव को बोलते हैं जिस ऐसे पॉजिटिव चार्ज जो अटैक करते हैं किसी पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? जो क्या कर किसके ऊपर अटैक करते हैं? पॉजिटिव के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होगा? नेगेटिव तो है
और तभी तो जाए पॉजिटिव पे अटैक करेगा नहीं करे, तो वो किसको कर रहा है, मतलब पॉजिटिव को चाहते कि नहीं करा, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियॉन लविंग ग्रुप, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जो नाभिक से सने करता हो, जो किससे करता हो, और नाभिक के अंदर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से सने करने वाले, तो उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या होगा नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर, समझ आई बात। तो ये कैसा होगा, नाभिक से नहीं होगा या इलेक्ट्रॉन से नहीं, ये कैसी अभिक्रिया देगा, मतलब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, नाभिक से नहीं या इलेक्ट्रॉन से नहीं, नाभिक से नहीं, क्योंकि इसके पास तो नाभिक है, तो इसके पास कौन आएगा जो नाभिक से स्नेह करता हूं, इसका मतलब ये जो भी अभिक्रिया देगा वो कैसी अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, कैसी होगी नाभिक स्नेही अभिक्रिया। और तो ये कैसा करेगा, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास कौन आएगा पॉजिटिव वाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन को स्नेह करता हो, जो कौन क्या करता हो, अब इलेक्ट्रॉन को स्नेह कौन करेगा, जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या घर में पहले ही दिवाली है, मतलब खाली कक्ष पड़ा है, अरे है कि नहीं, तो वो वाले। तो देखो अब यहाँ आओ समझो, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होने के कारण कार्बन ऑक्सीजन द्विक आबंध ध्रुवित हो जाता है, तो अतः कार्बोनिल समूह का कार्बन एक इलेक्ट्रॉन रागी, मतलब इलेक्ट्रॉन सनई, क्या बोलेंगे बेटा सनई, मतलब लुइस अम्ल अम्ल मतलब केंद्र, और कार्बोनिल ऑक्सीजन एक नाभिक रागी, मतलब अब वो किससे सने करेगा, नाभिक से करेगा कि नहीं करेगा, और ये किससे करेगा इलेक्ट्रॉन से सने, पर ये समझ में नहीं आया, वापस बता रहा हूं ठीक है, एक बार देख लो, ये देखो इलेक्ट्रॉन रागी क्यों बोलते, कार्बन खुद तो इलेक्ट्रॉन रागी है कि नहीं, भाई इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए है, और दूसरे के प्रति ये कैसा होगा, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा बताओ, नाभिक से नहीं हो भाई, मैं बोलो मैं नेगेटिव हूं, इसका मतलब मेरे ऊपर कौन अटैक करेगा पॉजिटिव वाला, अरे करेगा कि नहीं करेगा बेटा, पॉजिटिव ही करेगा, अब तो नहीं लग रहा नेगेटिव कर लेगा इसके ऊपर, तो इसका खास होगा क्या पता, नहीं मेरा कोई खास नहीं है ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो मैं यदि कैसा हूँ पॉजिटिव, तो मेरे ऊपर कौन करेगा नेगेटिव, इसका मतलब मैं कैसा चाहता हूँ नेगेटिव को, इसका मतलब मैं तो खुद कैसा हुआ इलेक्ट्रॉन से नहीं हुआ कि नहीं हुआ, पर मेरे को चाहने वाला कैसा होगा नाभिक से नहीं, इसका मतलब मेरे ऊपर आक्रमण कौन करेगा नाभिक, और मैं किसके ऊपर आक्रमण करूंगा, समझ आएगा, अरे दो बात एक समझ में आ रही नहीं, अब मेरे ऊपर ये ऑक्सीजन मेरा बोर्ड का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैसा बेटा चार्ज, समझ आएगी बात। अब ये क्या चाहेगा पॉजिटिव मिले, इसको क्या मिले, इसका मतलब ये कैसा हुआ नाभिक स्नेही, ये कैसा हुआ, और इसके ऊपर आक्रमण करेगा वो कैसा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, समझ आया क्या, तो यही तो बोल रहा है ठीक है। ऑक्सीजन एक नाभिक रागी, मतलब नाभिक स्नेही होता है कि नहीं होता है ठीक है ना, लुइस सारक मतलब केंद्रक होता है ठीक है, लुइस सारक होता है, कार्बोनिल यौगिक में पर्याप्त द्विध्रुव आगुण होता है, मतलब द्विध्रुव आगुण समझ गए, मतलब टूटा तो क्या होगा, मतलब ये इस साइड ऐसा जा रहा है कि नहीं जा रहा इलेक्ट्रॉन, अपन को ऐसा नजर है प्राप्त द्विध्रुव आगुण होता है, और ये ईथर से भी क्या होता है अधिक, ये ध्यान रखना ये लाइन, ये ईथर से भी क्या होगा अधिक, आगे ईथर पढ़ेंगे तो बताएंगे, कार्बोनिल यौगिक समूह की उच्च ध्रुवणता अनुनाद के कारण समझाई जा सकती है, जिसके कारण एक उदासीन संरचना एवं द्विध्रुव आगुण, मतलब ये रहा क और ये ख जैसी संरचना चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, क्या समझ में आया, हाँ। आज अपनी वाणी को यही विराम दे ठीक है, आगे कौन सा है, हाँ ये समझ लेता, दो मिनट रुक लो, समझ ले, देखो संग्रहित कक्षकों के अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है, कभी भी पाई बंध का निर्माण नहीं होगा, पाई बंध का निर्माण हमेशा किससे होता है बेटा, पाई बंध का निर्माण हमेशा किससे होता है असंकरित कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से होता है, पाई बंध का निर्माण हमेशा सिग्मा बंध के निर्माण के क्या होता है पश्चात, अपने देखा पहला सिग्मा फिर पाई ठीक है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो हमेशा अक्ष के क्या होता है ऊपर और नीचे ठीक है, और भी होगा क्या, हाँ पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध की तुलना में क्या होता है दुर्बल होता है, इसलिए सादा क्रियाशील होता है, अब अपना रहा सिर्फ एसपी, क्या रहा है एसपी, अब बात अपना खत्म हो जाएगा।